हम अंटी करने जा रहे थे, हम दादी का जा रहे थे, अंटी जा गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि, सारी शुभकामनाएं आपको नववर्ष की भी, और जो मोमडन है तो उन्हें रोज़े की भी, कल से रोज़े स्टार्ट है, और जो हिंदू हैं उन्हें नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो अभी हम आ रहे हैं बिल्कुल जस्ट, अभी 8:30 हो गए हैं शायद, और मेरे को नवरात्रि का व्रत भी स्टार्ट करना है, और कुछ भी नहीं है सामान, अभी मैं नहा के सीधे सामान लेने जाऊंगी, और फिर मुझे माता की चौकी लगानी है, सब चीज़ करना है। कल रात को, शाम को हमने आना था वैसे, बट लेकिन यही हो गया था, इनको शादी में, वहाँ शादी थी, और मतलब बहुत अच्छे लोग, मतलब जान पहचान है, उन्होंने व्हाट्सअप भी मैसेज किया, कार्ड भी दिया, घर पे बोलने भी आए, फिर फ़ोन भी किया, तो इन्होंने कहा यार चलो चले जाते हैं, तो ये गए थे, मैं तो नहीं गई थी बट ये गए थे, तो कल ये वहाँ शादी अटेंड करनी थी, फिर इन्होंने कहा कि जाऊँगा फिर वहाँ से यहाँ आऊँगा, इसलिए मॉर्निंग में ही चलेंगे, फिर मॉर्निंग में उठ के फिर हो ही जाता है इतना थोड़ा बहुत लेट, तो अब लगते हैं काम पे। तो फ्रेंड्स, नहा के आ गई हूँ मैं, और बिस्तर के हाल देख रहे हो, ये सब तब करूँगी, पहले मैं माता रानी का दरबार से जा देती हूँ, तो सामान लेने चल रही हूँ, चलिए आप भी। 445 फ्रेंड्स, हो गई है मेरी पूजा, और ये चुन्नी मेरी पूजा की है, स्पेशल रेडी है, तो इसको ही मैं करती हूँ, और फेस में कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं लगाया, अभी ऐसे चले गई थी सामान लेने, लेट भी हो गया क्योंकि पूजा करने में, पता ही आपको मैं वहाँ से आई हूँ, तो फिर अब सबसे पहले पीऊँगी पानी, बहुत प्यास लग रही, सबसे पहले पीऊँगी पानी। एक दो घंटे लग जाते हैं पता है, क्योंकि आज जैसे चौकी वगैरह सब वो करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, तो और दिन तो इतना नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट डे थोड़ा टाइम लग जाता है, और आज यहाँ पड़ोस में ही ना कीर्तन भी है, तो वहाँ भी जाएंगे, तो देखूँगी शूट करती हूँ, तो इसीलिए मैंने साड़ी डाल ली थी, मैंने कहा बार बार क्या चेंज करना है, तो इसीलिए साड़ी डाल ली थी, और ये ब्लाउज ना इस साड़ी का नहीं है पता है, ये दूसरी साड़ी का, इसका ब्लाउज ना थोड़ा टाइट हो रहा था, तो सिलाई खोल दूँगी, और ये थोड़ा मोटा है ना कपड़ा, ये तो सॉफ्ट वाला है, तो नेट का है ना, इसमें फिर अस्तर लगा रखा, और इसका बहुत मोटा कपड़ा ही है, तो ये पहनने में थोड़ा वैसा हो रहा था, इसका ब्लाउज ये है, तो फिटिंग वगैरह मैंने खुद ही की, देखो गला भी मैंने खुद ही बनाया, मतलब ये ऐसी था ना रेडीमेड, बस सिलाई मारनी थी, ये सब इसमें ये बटन वगैरह थे, हुक है मतलब इसके अंदर से, तो ये बैक है इसका, तो इसका ब्लाउज ये है, बट मैच हो ही रहा था, तो फिर मैंने कहा उसको थोड़ा एक सिलाई खोल के फिर पहन लूँगी, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊँगी कीर्तन में। और आजकल बहुत शिकायत आ रही है कि मेरे ना मतलब व्लॉग में वॉइस कम आ रही है, तो पता नहीं क्यों आ रही है, शायद मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ इसलिए, तो आप बताना आज कैसी, अब फिर फ़ोन ख़राब, तो आप बताना आज वॉइस कैसी है, तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। और मंदिर तो आपने मेरा देख ही लिया है ना, ये टेबल यहाँ पे था ना, ये मैंने वहाँ पे ले लिया, क्योंकि अगर मैं नीचे करूँ तो नीचे बच्चे छेड़ते हैं, और छोटे बच्चे हैं अभी, और मैं ना अखंड दीपक नहीं जलाती हूँ, अभी मैंने व्रत ना, वैसे मैंने पता है ये व्रत किया था
नाइन्थ टेंथ में थे तब से मैंने स्टार्ट किया था व्रत, और फिर शादी के बाद मैंने नहीं किया। शादी के बाद मेरा बिल्कुल स्टॉप लग गया, क्योंकि फिर यही हो गया प्रेगनेंसी और डिलीवरी वगैरह में, तो शादी के बाद नहीं किया मैंने। फिर मैंने ये पिछले के पिछले साल स्टार्ट किया था, एक ही व्रत किया था मैंने, मतलब नवंबर के टाइम पे किया था मैंने। फिर जनवरी में पिछले साल मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, चाचा ससुर जी की डेथ हो गई थी, फिर एक साल गैप हो गया। फिर अब मैंने शादी के बाद, मतलब मैं दूसरी बार कर रही हूँ, और शादी से पहले टेंथ से देखो, टेंथ इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, मतलब बहुत किया था मैंने। और शादी के बाद हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, और अब तो कंटिन्यू रखूँगी। और अखंड दीपक अभी नहीं जलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो दिन भर, मतलब समझ ही सकते आप, कई काम होते हैं छोटे बच्चों के, तो इसलिए मैं अखंड दीपक नहीं जलाती, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल वो होना चाहिए ना, एक तो 24 घंटे ध्यान रखो, फिर बत्ती वगैरह बढ़ाओ ये वो, तो फिर मतलब उतनी बार मैं नहा नहीं सकती हूँ। तो बच्चों के साथ ये है कि अभी ऐसे पूजा तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर शाम को नहा के फिर पूजा करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के साथ हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए दोनों टाइम नहा के फिर पूजा कर लेती हूँ। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं ज़रूर माता रानी चाह तो अखंड दीपक जलाऊँगी। पहले मैं जलाती थी शादी से पहले अखंड दीपक, हरियाली हरियाली, मतलब जौ जो बोते हैं ना, वो तो मैंने बोए हैं, वो तो मैंने रखे हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या था, मिलती हूँ बाद में। हेलो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं रेडी कीर्तन में जाने के लिए, और मैंने ना जोड़ा किया है, और साड़ी तो ये देखो, इसका ब्लाउज मैंने अब पहन लिया है, एक सिलाई थी वो खोल दी, फिर ये पहन लिया। साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी फोन भी खराब होता है बीच बीच में यार, फोन ना इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती, फिर पता नहीं चलता कि क्या कुछ शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको पीछे से टच। तो ये है साड़ी। साड़ी है और बस इसमें ये बॉर्डर है, और सिंपल सी साड़ी है और अच्छी लगती है मुझे सिंपल, क्योंकि डेली यूज वेयर में ठीक रहती है। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताना आप लोग, और बस जोड़ा कर ले क्योंकि गर्मी हो रही है, और कुछ नहीं, बस लाइनर लगाया कर। और काजल ना एलेटीन की लगाई, बहुत बेकार काजल, बहुत बेकार, मतलब इतनी बार करके भी देखो बिल्कुल भी ब्लैक है ही नहीं, और आंसू और आ गए, बिल्कुल बेकार है लेटिन की काजल, कोई मत लेना कभी भी। और ये डाला, हाँ गले में चेंज करती हूँ, गले में चेंज करती हूँ, तो फिर कीर्तन में मिलती हूँ आप लोगों को। Yeah.
फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं कीर्तन से और बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। माता रानी ऐसे ही 9 दिन तक बुलाती रहे तो बिल्कुल टाइम का भी पता नहीं चलता, ऐसे में व्रत का पता नहीं चलता है। और अब बस शाम को शाम की पूजा होगी और हमारे यहाँ ना खाना खा लेते हैं शाम को, और हमारे यहाँ ना शाम को खाना खा लेते हैं दाल चावल, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाना है वो खा लेते हैं। और जैसे मतलब मैंने यहाँ देखा है, जैसे हमारे मकान मालकिन सब इधर वो खा लेते हैं, फलाहार लेते हैं, फलाहार लेते हैं रात को, जैसे कट्टू की आटे की पकौड़ी और भी समक के चावल वगैरह खाते हैं, बट हमारे यहाँ खा लेते हैं मतलब हमारे गढ़वाल में खा लेते हैं, और हमारे पंडित ही खाते हैं तो फिर हमने बचपन से यही देखा है तो हम भी खा लेते हैं। और मेरा ना देखो बाल सफ़ेद हो गया, आज दिखा मुझे, बूढ़ी होने लगी तो फिर शाम को खाना खाएंगे और व्रत तो रहेंगे 9 दिन तक। 9 दिन के अष्टमी या तो अष्टमी पूजी जाएगी या नवमी, देखते हैं क्या पूजा जाता है। और तो यहीं पे मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय, जय माता दी।